होली के नाम पर जहां देश भर में लाखों टन लकड़ी फूंक दी जाती, जंगल काट दिए जाते, वहीं इन सब से हटकर आदिवासियों की ये परंपरा जंगल को बचाने के लिए और पर्यावरण के लिए एक अच्छी पहल के रूप में। परंपरा के नाम पर आदिवासी न सिर्फ जंगल बचा रहे हैं बल्कि त्योहार भी मना रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां की उदंती के अनुसार सदियों पहले होली पूर्णिमा की रात को बनाई गई होलिका अपने आप जल उठती थी। अब होलिका न तो अपने आप जलती है न ही इसे कोई जलाता है, लेकिन होलिका बनाने का दस्तूर और परंपरा अब भी अस्तित्व में है। रंगों के पर्व होली को लेकर हमारे समाज में कई तरह की मान्यताएं और रिवाज है। कहीं सिर्फ गाय के गोबर से बने उपलों की होली जलाई जाती है तो कहीं लकड़ी की। शहरी संस्कृति का अनुसरण करने वाले ग्रामीण भी गोबर से बने उपलों की बजाय लकड़ी की होली जलाने लगे हैं। ऐसे में मात्र होली दहन के लिए हरे भरे पेड़ों की बलि चढ़ाई जाती है जो पर्यावरण के हित में नहीं है, लेकिन इन सबसे हटकर खंडवा जिले के वन क्षेत्र में रहने वाले कुछ आदिवासी ऐसे भी है जो होली दहन के लिए पेड़ नहीं काटते बल्कि एक अनोखी परंपरा का निर्वाह करते हुए जंगल के वृक्षों से टूटी हुई साख या टहनी को उठाकर होली माल के नाम से चयनित स्थान पर रखते हैं। होली माल नामक यह स्थान आदिवासियों के लिए पूज्य होता है। जिस तरह मंदिर में भगवान को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, उसी तरह होली माल को पेड़ से गिरी हुई टहनी अर्पित की जाती है। जंगल से गुजरने वाला हर शख्स जंगल में पड़ी बेकार टहनी को उठाकर होली माल को अर्पित करता है। यह सिलसिला वर्ष भर चलता है और इस तरह एक एक करके होली माल को अर्पित की गई अनुपयोगी टहनी का ढेर लग जाता है। खंडवा जिले के ग्राम कमलिया के जसवंत बारे बताते हैं, यहाँ उनके पूर्वजों के समय से होली माल को पूजा जाता है। कवेश्वर के आगे कमलिया के समीप जंगलों में इसी तरह की पवित्र जगह है होली माल। होली माल से जुड़ी कहानी इस क्षेत्र में प्रचलित है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि होली का पूनम की रात यह होली चमत्कारिक रूप से खुद ब खुद जल उठती थी। इस चमत्कार को परखने के चक्कर में ग्रामीण दैवीय शक्ति से अभद्रता कर बैठा, तब से यह होली स्वयं जलना बंद हो गई। होली माल से पुराने समय से बुजुर्ग लोग बोलते थे भाई होली माल पे पूनम के रोज उसके ऑटोमेटिक जलती थी। तो किसी ने उस पर शक किया कि भाई ऑटोमेटिक कैसी चलती है होली, तो वो आदमी छिपा रहा और उसने देखा तो एक 12 साल की लड़की वहाँ पे उपटन हुई और उसके हाथ में आती थी और उसने होली के बाद जाने की कोशिश की, सामने वाले आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया लड़की का, तो वो लड़की गायब हो गई। उस रात से होली जलना बंद हो गई वहाँ। अब जलाओ तो जलेगी, नहीं तो लकड़ी वैसी रहेगी। वन विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि पर्यावरण लिहाज से यह अच्छी पहल है, जिसे वन क्षेत्र की सूखी लकड़ी को एक स्थान पर एकत्रित करते हैं और धार्मिक जीवन और परंपरा के नाम पर पर्यावरण को बचाने में लगे हुए हैं। ऐसी परंपरा को बढ़ावा देना चाहिए जिससे वन को बचाया जा सके। खंडवा के पर्यावरण प्रेमी युवाओं को यह अनोखी होली अपनी ओर खींच रही है। यही वजह है कि 40 किलोमीटर दूर संघर्ष जंगल में इस होली माल को देखने युवक उत्सुकतावश पहुंच रहे हैं। बस हमें भी पता चला है कि कुछ आदिवासी लोग लकड़ी इकट्ठा करके जंगल की और यहाँ पे होली होली दहन करते हैं और बहुत इससे मतलब होली मनाई जाती है, इसलिए हम भी होली माल देखने के लिए खंडवा से यहाँ आए हैं। इस तरह से होली माल के जरिए धार्मिक परंपरा का निर्वाह हो जाता है और होली के लिए लकड़ी की जुगाड़ भी, वह भी पेड़ों को नुकसान पहुँचाए बगैर। आदिवासी समाज की यह परंपरा सिर्फ पर्यावरण के हित में है बल्कि आधुनिक कहे जाने वाले सभ्य समाज को एक दिशा भी प्रदान करती है। अनंत महेश्वरी की रिपोर्ट।